रामलला के दर्शन के लिए आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज तीसरा दिन। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में दर्शन के लिए भारी उत्साह। भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे जवान। कतार लगाकर रामलला के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। करना पड़ रहा है इंतजार। अयोध्या में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। बढ़ाई गई रामलला के दर्शन की अवधि। दूसरे दिन 2,50,000 लोगों ने किए रामलला के दर्शन। पहले दिन रिकॉर्ड 5,00,000 लोगों ने लगाई थी रामलला के दरबार में हाजिरी। भारी भीड़ को देखते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन। दोपहर विश्राम का समय 2 घंटे से घटाकर किया गया 20 मिनट। रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर रहे हैं दान। पहले दिन मंगलवार को 3 करोड़ से ज्यादा का आया चढ़ावा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 10 डोनेशन काउंटर खोले गए। भक्त कैश के अलावा ऑनलाइन डोनेशन भी दे रहे हैं। रामध्वज और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मानजनक और गरिमापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने के लिए एनडीएमसी की शानदार पहल। ध्वजों को जमा करने के लिए जारी नंबर। एनडीएमसी के वीवीआईपी एरिया में 14 जगहों पर जमा होंगे ध्वज। स्वच्छता कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज के संग्रह और निपटान के दौरान उचित प्रोटोकॉल पालन करने का दिया गया निर्देश। माघ मेले का दूसरा पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व आज। प्रयागराज में संगम तट पर डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु। कोहरे और ठंड के बावजूद संगम तट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। स्नान पर्व को देखते हुए मेला प्रशासन ने लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की शुरुआत। संगम की रेत पर बने तंबुओं में कल्पवासी 1 महीने तक करेंगे कठिन तप और जप। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास। माघ मेले में 20,00,000 से ज्यादा लोगों ने के आने के अनुमान। ठंड से बचाव के लिए बनाए गए रैन बसेरे। सुरक्षा में लगे पुलिस पीएसी पैरामिलिट्री एटीएस और एसटीएफ के जवान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड। औसत से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। कम विजिबिलिटी होने से लाइट जलाकर चलते दिखे वाहन। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। अलाव तापते दिखे लोग। दिल्ली में कोहरे के चलते यातायात हुआ प्रभावित। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 50 मीटर विजिबिलिटी के चलते हवाई सेवाओं पर पड़ा असर। राजस्थान के करौली में कोहरे और शीतलहर का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। गाड़ियों की थमी रफ्तार। कल गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली को छावनी में बदलने की तैयारी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 60,000 जवानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी। सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर। फ्रिस्किंग और सुरक्षा में तैनात जवानों को जूतों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जवानों को हिदायत दी गई कि वो लोगों के जैकेट और जूतों पर खास तौर से नजर रखें। 13 दिसंबर 2023 को संसद में हुई घुसपैठ के बाद पुलिस ज्यादा अलर्ट। कर्तव्य पथ तक पहुंचने के लिए लोगों को फ्रिस्किंग के 3 लेयर से गुजरना होगा। लोगों को ऐसे सामान लाने से मना किया गया है जिन्हें फेंका जा सके। सिक्के भी लाने की मनाही। राजधानी में जगह जगह वाहनों की चेकिंग और बैरिगेटिंग। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू कश्मीर में आज गृहमंत्री अमित शाह देंगे नौकरी की सौगात। 75 ई बसों की लॉन्चिंग के साथ युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज लद्दाख अरुणाचल सिक्किम उत्तराखंड और हिमाचल के सरपंचों से मुलाकात करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेंगे सरपंच। गणतंत्र दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी से रोशन हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय परिसर। रात में देखी अद्भुत छटा। घाटी में तेज हुई गणतंत्र दिवस की तैयारियां। पुंछ में ऐतिहासिक इमारतों को किया गया रोशन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गणतंत्र दिवस को लेकर सेना ने बढ़ाई चौकसी। एलओसी पर गश्त की तेज। 26 जनवरी की परेड को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। सेना की तीनों विंग देश की आन बान और शान दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार।
रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में जगह जगह कमांडोज दस्तों ने संभाली सुरक्षा की कमान। दिल्ली को 28 सुरक्षा जोन में बदला गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 14,000 जवान रहेंगे तैनात। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगा नारी शक्ति का दम। परेड में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट की 4 फीमेल ऑफिसर्स। इस बार कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेगी फ्रांस की टुकड़ी। इंडियन एयरफोर्स के 29 फाइटर प्लेन लेंगे हिस्सा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे राष्ट्रपति मैक्रोन। फ्रांस की सेना भी बनेगी परेड का हिस्सा। 2 दिवसीय दौरे पर आज भारत पहुंचेगी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो। दोनों देशों के रिश्तों की थीम पर लाइटिंग से शहर जगमगाया। आज पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री मोदी खोलेंगे तोहफों का पिटारा। वेस्ट यूपी को प्रधानमंत्री मोदी देंगे करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज नेशनल वोटर्स डे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बने लाखों वोटर्स से वर्चुअली बात करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा करा रही है कार्यक्रम का आयोजन।